सारे देव देवता बारात में जाने के लिए बुलाया गया, तो सब बोलने लगे गणेश जी को भी वहां वहां नहीं ले जाएंगे, वे तो बहुत सारा खाते हैं, धुन धुना लिया, सुंड सुंडा लिया, उंदल में पांव, छाजले के कान, मोटा मस्तक वाले हैं, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यही रखवाली पर छोड़ जाते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है, बारात बुरी लगती है, इस कारण आपको वहां नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन खोद डालो। धरती पूरी की पूरी धोती होने लगी, भगवान के रथ में पहिए धसने लग गए, सब रथ पर गए, पहिए वापस निकले नहीं। हाथी को बुलाया तो आया, उसने पहिए के साथ में लगाकर जोर लगाया, जय गजानन जी, और रथ निकाल दिया। अब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। हाथी बोला, गणेश जी को सुमिरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ आए हैं। एक जने को बेच कर गणेश जी को बुलाया, पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। जय विनायक जी महाराज की।